सात दिन बाबा विश्वामित्र रहे हैं। तब विश्वामित्र बाबा ने कहा, राजन बहुत दिन हो गए आश्रम से आए, हमको अब विदा दीजिए। अब ये इस कांड का उपसंहार है। चक्रवर्ती जी करजोर खड़े हो गए। मैं आपको वहां ले चलता हूं। जब चक्रवर्ती जी महाराज से बाबा विश्वामित्र जी ने कहा था, देवु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम कह इन कह यति कल्याण। हे राजन प्रसन्न मन से दीजिए, आपका धर्म सिद्ध होगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी और इन बच्चों का मंगल होगा। चक्रवर्ती जी ने कहा, चौथे पन पायो सुतचारी विप्र वचन नहीं कहे वो विचारी, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा नृप संदेह नाश कृपा। चक्रवर्ती जी महाराज को गुरु जी को समझाना पड़ा। जब गुरु जी समझव लें तब चक्रवर्ती जी मन लें। और आज बाबा विश्वामित्र जी जब विदा हो रहे हैं तब चक्रवर्ती जी क्या कहते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी मैं। हे नाथ, हे ऋषिदेव, इस श्री अयोध्या की समस्त संपदा आपकी है। मैं पत्नी बच्चों सहित आपका सेवक हूं। ये कहना सरल नहीं है। इसके लीजिए इस हृदय में कलेजे में भरोसा चाहिए। चौपाई गाना सरल है, कान में सुनना सरल है, ये सरल नहीं है। प्रभु से भी कहना सरल नहीं है। सब आपका है, जो आप कहो उसी में। लेकिन जिसको इसके कहने का अभ्यास हो गया उसका भगवान में उतना ही अध्यास अर्थात विश्वास हो गया। जिसको आ गया है नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी मैं सेवक। जैसे आपने मेरे पर कृपा की वैसे मेरे इन बच्चों पर भी करिएगा। करब सदा ललिकन पर छो दर्शन रहब मुनि मोहु दर्शन सदा कृपा बनाए रखिएगा। छो ममता पूर्ण कृपा, छो कृपा को कहते हैं। कैसी कृपा? ममता मई कृपा। छो उसका उल्टा बिछो। श्री चक्रवर्ती जी महाराज कहते हैं, जैसी आपकी कृपा ममता पूर्वक कृपा मेरे पर बरसी है, आप स्वयं आए, बच्चों को ले गए,
और क्या क्या करा के उत्सव के साथ वापस लाए प्रभु, ऐसी कृपा इन पर बरसाए रहिएगा। अस कहिरावो सहित सुत रानी पर वो चरण मुख आवन बानी। अस कहिरावो सहित सुत रानी पर वो चरण मुख आवन बानी। बिन्ही अशेष विप्रभ भांति चले न प्रीति प्रीति कही जाती। विश्वामित्र विप्रभ भांति चले न प्रीति प्रीति कही जाती। वाम देव रघुकुल गुरु ज्ञानी बहुरी गाथी सुत कथा बखानी। वाम देव रघुकुल गुरु ज्ञानी बहुरी गाथी सुत कथा बखानी। चक्रवर्ती जी सपरिवार सपत्नी गिर पड़े श्री चरण में, विश्वामित्र बाबा ने आशीर्वाद दिया, गुरुदेव भगवान वामदेव ऋषि ने विश्वामित्र जी की बहुत सारी कथाएं गाई, सबको सुनाया। भगवान श्री रघुनाथ जी भाइयों समेत मुनि देव को विदा करने बहुत दूर तक लेकर गए। लोग विदा करके वापस आए, जहाँ तहाँ लोग विवाह महोत्सव का गान कर रहे हैं, आनंद महोत्सव मना रहे हैं। भगवान श्री सीताराम जी का विवाह होकर जब से आया अयोध्या जी में आनंद ही आनंद बरसने लगा। न कहने न सुनने किसी को समय नहीं, सभी कवि विज्ञ लोग भगत लोग मंगल महोत्सव का नाना प्रकार गान करके और भक्ति सिद्ध कर रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं इसलिए सबने बहुत गाया मैंने भी थोड़ा गा दिया। क्यों? अपनी हेतु ने जगिरा पावन करन राम जस तुलसी रघुबीर चरित पार पारे पार कवि कौने उपबीत ब्याह मुछा मंगल सुनी सादर प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावनी। वैदेही राम प्रसाद ते सर्वदा वाणी की पवित्रता हेतु पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं मैंने राम यश गाया श्री रघुनाथ जी का, मेरी मैया का चरित्र अपार बारिध।
सतकोटि अपारा, समुद्रवत है, कौन कभी पार पा सकता है। उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, इनका आनंद उछाह, मंगल महोत्सव सुनकर जो आदर पूर्वक गाएगा श्री सीता राम जी की कृपा से, उसके जीवन में सदा सर्वदा सुख बढ़ता ही जाएगा। बाबा जी उपसंहार करते हैं, सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावही सुन, तिन कहूँ सदा उछा मंगलायतन राम जस, तिन कहूँ सदा उछा मंगलायतन राम जस। श्री सीताराम जी का दिव्य विवाह महोत्सव जो प्रेम पूर्वक गाएगा सुनेगा, उनका आनंद सदा सर्वदा बढ़ता ही जाएगा। क्यों? भगवान श्री सीताराम जी का यह मंगल यश मंगल करण है, मंगल हेतु है, महामंगल है। हम आप इसको गाए। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने प्रेम संपादन नाम प्रथमोध्याय बालकान पूर्ण बोले श्री रामचरितमानस भगवान श्री सीताराम जी महाराज की। चारों दुल्हा दुल्हन सरकार की।